हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे स्पाइस जेट की, जिसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। उसके कारण से आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% का अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिला। तो वो क्या रीज़न थे जिससे अपसाइड मोमेंट हुआ और कितना टारगेट जा सकता, हम सारी चीज़ समझेंगे। वीडियो छोटा सा दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, कंजूसी मत करना वीडियो देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सेटलमेंट किया है। सेटलमेंट करने से पहले एक कहानी समझते हैं दोस्तों। इन्होंने QIP के जरिए 3000 करोड़ का जो फंड है वो उठाया था मार्केट से, ठीक है। और इन्होंने कितना 487 इक्विटी शेयर्स को किसको होल्ड कर दिया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दिया था, 3000 करोड़ उठाया था। अब वो क्यों उठाया था कि क्योंकि ये कुछ इनके लोन थे जिसके कारण से इनके मैनेजमेंट एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेटल कर सके। सेटल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये लोन उठाया था। आपको पता होगा एक महीने पहले इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है इंजन लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, उनसे सेटलमेंट किया था जो 16.7 मिलियन का डेट था इनको, ठीक। और अभी अभी इन्होंने क्या किया है, आप देख रहे हो 22.5 मिलियन का सेटलमेंट किया है। तो ये इनको देना है। एक्चुअल अमाउंट इन्होंने लिया था दोस्तों वो था आपका 132 मिलियन, कितना था, मतलब 132 मिलियन डॉलर का इनको लोन था, इनको सेटल किया इन्होंने 22.5 मिलियन डॉलर का। तो ये इतनी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। मान लीजिए मेरे पर 10 लाख का लोन है, मैं 2 लाख में सेटलमेंट करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी सिविल तो खराब होगी, मैं सेटलमेंट कराऊँ तो कहीं ना कहीं इनकी वो जो रेपुटेशन है वो तो खराब होगी दोस्तों। बट एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये इनके डेट से क्लियर कर रहे हैं। अब जब इनका सारा डेट क्लियर हो जाएगा उससे क्या होगा कि फिर इन्वेस्टर क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा इस कंपनी में। अगर ये कंपनी इसके जो और जो मूवमेंट है, इस फ्लाइट से वो बढ़ती है, पैसेंजर का आना बढ़ता है, जो लीज पे उन्होंने रख रखे हैं एयरक्राफ्ट वो कम होते हैं, तो डेफिनेटली इनका बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री है, फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री है, और ऐसी ट्रेजेक्ट्री जिसकी सीढ़ी पहली सीढ़ी चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी 22.5 बिलियन का उन्होंने क्लियर किया है। इसके पहले अगर हम देखें तो इन्होंने नवंबर में इनके पास में 3 एयरक्राफ्ट भी आने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके बाद इनके ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें एड होंगे और इनका जो रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ने वाला है। अब ये कुछ अगर इसके कुछ बेसिक की बात करें तो 1.3% पास 5 डेज में गिरा था, जबकि इसने 3% का डेट दिया लास्ट 1 मंथ में, 6% का दिया लास्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीने कोई कमाल की बात नहीं की है। तो फिर अब हम क्यों इसको समझ रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको दोस्तों बताता हूँ मंथली चार्ट में, ठीक है। मंथली चार्ट आप देखिए, मंथली चार्ट में अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन पर जब भी यहाँ पर गया है इसने, अगर इस ट्रेंड लाइन को टच भी किया ना दोस्तों, तो 123 से 125 गया, 30 पॉइंट्स गया, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा 20%। अब यहाँ पर देख रहे हो इस ट्रेंड लाइन को, इसने एक बार रिजेक्शन ले चुका है 76 का, अब 65 पर ट्रेड कर रहा। तो इस मंथ में अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 70-75 के ऊपर भी क्लोज हो जाता ना दोस्तों, तो हमें बहुत शानदार टारगेट अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं, क्लियरली हमें देखने को मिल सकती है। क्यों मिलेगी रैली, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि जब भी इस रेजिस्टेंस को उसने टच किया अपसाइड गया, तो अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। 80 रुपये का शेयर हमारा 140 तक गया है, और हाई इसने टच किया है ऑलमोस्ट 156 रुपीज़ का। तो ये चीज़ हमें ध्यान में देना चाहिए अगर किसी शेयर में इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है तो। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी इसमें ट्रेप है, जिनकी बाइंग मतलब बाइंग अपसाइड में है, अब ट्रेप है, तो उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ से अगर 65 से ब्रेकआउट होगा तो 83 रुपीज़ का टारगेट मुझे देखने को मिल रहा है इस मंथ के एंड तक। अगर 83 भी सस्टेन करता है नेक्स्ट मंथ, तो हम आराम से 100 रुपये का टारगेट दूसरा देखेंगे, तीसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा, तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 123 रुपये का। तो 83, 100, उसके बाद में 123, तीन टारगेट हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, और लास्ट टारगेट हमारा 150 के आसपास रहेगा। बट इसमें टाइम लगेगा, 5-6 महीने लग सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट हमारी जो दोनों EMA इसको सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो अगर आप नया इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, और अगर आपकी पोजीशन होल्ड है तो इसमें आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो स्पाइस जेट के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।